हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे वेजिटेबल दलिया पुलाव। आपने दलिया बहुत खाया होगा। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो दलिया या खिचड़ी खाते हैं और खा खा कर बोर हो जाते हैं, पर अब आपको वो दलिया नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि मैं लाई हूँ बिल्कुल टेस्टी वेजिटेबल दलिया पुलाव। और इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे। वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दलिया जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, जिससे ये आसानी से जल्दी बन जाएगा, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। और मैंने ली है सब्जियाँ, तो 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1 लाल टमाटर इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याज इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 गाजर इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ी सी मटर, यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी फ्रेंच बीन जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। हमें चाहिए 2 टेबलस्पून देसी घी, 2 से 3 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 4-5 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक काट लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसके अंदर ये दलिया डाल लेंगे। दलिया का पानी मैंने निकाल दिया है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। अगर आपके पास नॉनस्टिक ना हो तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। ये मैंने दलिया डाल लिया इसमें। मैंने ये 1 कप दलिया लिया है इसलिए मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ उसमें, और इसे ढक देंगे। हमें इसे ढककर पकाना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये सारा पानी सूख ना जाए और हमारा दलिया गल ना जाए, तब तक हम इसे पकने देते हैं। और दूसरी गैस पे हम तब तक सब्जियां पका लेते हैं। मैंने दूसरी गैस ऑन करके उस पे एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जीरे का कलर चेंज हो गया है, हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे। गैस को हमें मीडियम पे रखना है। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे एक एक करके। प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, फ्रेंच बीन्स, मटर,
शिमला मिर्च, गैस को मैंने मीडियम पे रखा है। गोभी, गाजर, टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसे कवर कर देंगे और गैस को लो पे कर देंगे करीब 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी सब्जियां थोड़ी सी गल जाए, बहुत ज्यादा नहीं गलाना है। हम दलिया चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका सारा पानी सूख चुका है और हम चेक कर लेते हैं ये गला है या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सब्जियों में मिक्स कर देंगे। हम दलिया ऐड कर देंगे सब्जियों में। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। अब इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा दलिया बना है। इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी, तो मैं अब ऐड करूंगी। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है। और ये देखिए, हमारा वेजिटेबल दलिया पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। हम गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा वेजिटेबल दलिया पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें और चीजें डाली है, ये टेस्टी नहीं होगा। ये बहुत ही टेस्टी है और साथ ही हेल्दी भी है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इसके नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।